नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाढ़ रे बाढ़। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। आपको सबसे पहले दिखाते हैं बाढ़ की चार अलग अलग तस्वीरें, जहां बाढ़ की तबाही से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये देखिए, चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, खम्मम, कुशीनगर और गंगटोक की ये चार तस्वीरें हैं जहां बाढ़ ने तबाही मचाई है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें, वाराणसी की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचाई है। खम्मम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुशीनगर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और साथ ही आप गंगटोक की तस्वीरें देख रहे हैं जहां बाढ़ ने आफत बढ़ा दी है। और तेलंगाना के खम्मम की सबसे पहले बात करते हैं, जहां तीन दिन से लगातार बारिश होने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। ये देखिए तस्वीरें आपको हम खम्मम से दिखा रहे हैं, जहां एक इतना तेज बहाव था पानी का कि कार वहां पर बहती हुई साफ तस्वीरों में देखी जा सके। और बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान बेहाल है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गुजरात, बिहार, असम में तो हालात बद से बदतर हैं। किस तरह जिंदगी सैलाब के बीच जंग लड़ रही है, आज इंडिया न्यूज के कैमरे से देखिए। बारिश और बाढ़ से आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की गिरफ्त में फंसी जिंदगियां सिसक रही हैं, लेकिन इनकी सिसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मानसून की शुरुआत जब सुकून की बारिश नहीं सैलाब लेकर आए तो वाकई डर लगता है, और अब यही डर गुजरात को सता रहा है। यहाँ कुदरत लोगों की जिंदगी पर ऐसा कहर बरपा रही है कि मानो सामने मौत खड़ी हो। तस्वीरें देखिए, यहाँ किस तरह से सड़कें गायब हो गई, जिंदा मवेशी सैलाब में बह गए और मूसलाधार बारिश से बदल गई गुजरात की सूरत। यहाँ बारिश ने शहर और गांव का हुलिया बदल कर रख दिया है। गुजरात में बरसती बारिश ने लोगों को थर्रा दिया है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें बयां कर रही है। जहाँ गलियां थी वहाँ दरिया बन गए, जहाँ नदियां थी वहाँ सैलाब आ गया। कुदरत के इस रौद्र रूप के दर्शन गुजरात को सालों बाद हुए हैं। गुजरात की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जूनागढ़, राजकोट, जामनगर, सौराष्ट्र, जिधर देखो उधर तबाही का मंजर है। जूनागढ़ में 30 साल पुराना पुल बह गया और देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने से ओझल हो गया और नदी के दोनों तरफ पुल के दो हिस्से हो गए। सबली नदी पर बना यह पुल एक साथ दो गांव को जोड़ता था। बरसों से इसकी मरम्मत नहीं हुई, बारिश ने इसकी जड़ें तोड़ दी। गुजरात में उफनती लहरें सौराष्ट्र में उन बेजुबानों के लिए जानलेवा साबित हुई जिससे लोगों की रोजी रोटी चलती है। जूनागढ़ के कई पशुओं को सैलाब बहा कर ले गया। अब जरा द्वारका की तस्वीरों पर नजर डाली, यहाँ भी सब कुछ पानी से लबालब है। क्या घर, क्या लोग, क्या मंदिर, सब पानी की लहरों की जद में है। अब जरा द्वारकाधीश के मंदिर को देखिए, जहां कहीं रास्ते हुआ करते थे अब वहां नदी बह रही है। यहां के आसपास के इलाकों में इतना पानी है कि कारें आधी डूब चुकी हैं। पानी के इस कहर से गुजरात का जामनगर भी अछूता नहीं रहा, बारिश ने जमकर कहर बरपाया। हालांकि एनडीआरएफ की वजह से लोगों की जान जरूर बच गई। यहां नाडू वाडला गांव की ऊंद नदी में दो लोग फंस गए और एनडीआरएफ की टीम ने इन दोनों की जान बचाई। राजकोट के उपलेटा के वेणु डैम भी भारी बारिश की वजह से अपना कहर दिखा रहा है। मूसलाधार बारिश को देखते हुए बांध के 15 दरवाजे 8 फीट खोल दिए गए, जिससे लालपरी तालाब में पानी लबालब भर गया। खतरा बड़ा है और इसी को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली करवाया गया है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, पूरा देश बारिश से त्राहिमाम है। मानसून आते ही मुसीबत भी साथ आ गई है। शहर शहर जल प्रलय ने कोहराम मचा रखा है। क्या पहाड़ी इलाके, क्या जमीनी इलाके, हर जगह बारिश ने कैसे अपनी जद में ले रखे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि के मद्देनजर स्थानीय नरगटिया गांव का भ्रमण किया गया है और इस क्रम में मैंने पाया है कि पानी गांव की ओर बढ़ रहा है, इसलिए एहतियातन हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहां पर 15 नाव हम लोगों की स्टेशन है और
जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है उससे पूर्ण ऐसी आशा लग रही है कि कल से हम लोग कम्युनिटी किचन चलाने का कार्य आरंभ कर देंगे। बाकी हमारे सारे सरकारी बल और हमारी पुलिस टीम सभी एकदम हाई अलर्ट पर हैं और हम लोग पूरी तरीके से बाढ़ से निपटने के लिए तैयार। सभी अधिकारियों का छुट्टी रद्द कर दी है। सभी पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक के लिए बाढ़ के मद्देनजर रद्द कर दी है। अब जरा छपरा की इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। ये उफान किसी तबाही से कम नहीं है। ये उफान बिहार में बारिश की वजह से नहीं बल्कि नेपाल में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से है। नेपाल प्रभाग के कोसी जल अधिग्रहण क्षेत्र में नेपाल के कोसी बैराज से कोसी नदी में पानी छोड़ा गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोसी नदी में इतना भारी पानी छोड़ा गया जिससे इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान है। यही है कि हम लोग रहने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। खेती हुआ था, सब खेत डूब गया है, गाय भैंस का दिक्कत हो गया है रहने का। बारिश को देखते हुए बिहार के कई जिलों में SDRF की 14 टीमें और होमगार्ड के 100 जवानों को तैनात किया गया। बिहार पर हर साल बाढ़ का कहर टूटता है जिससे लोग तबाह हो जाते हैं और लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरे देश में दस्तक दे चुके मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है जिसके बाद ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं पूर्वोत्तर में भी जोरदार बारिश ने लाखों लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जिसकी वजह से असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी जद में जो कुछ आ रहा है डूबता जा रहा है। नदी के रौद्र रूप का शिकार बना ये भारी भरकम पेड़ भी बच नहीं पाया और जड़ से उखड़कर देखते ही देखते नदी में पूरी तरह समा गया। थोड़ा जो एडेड एरिया में है वो 5 नंबर बोरो में थोड़ा बहुत 42 वार्ड 41 वार्ड 41 ये सब में पानी भर जाता है। सब जगह नहीं लेकिन डाउन एरिया जो है, लेकिन वो ऐसा सिस्टम है वो निकल जाता है थोड़ा बहुत। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि दिल में दहशत पैदा कर रहा है। डिब्रूगढ़ में मोहना घाट के पास रिंग बांध टूटने से नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है जिससे लोग दहशत में हैं। जब हर साल मौसम बारिश का मौसम है ऐसे ही होता है, कम से कम 15 दिन तक ये दिक्कत रहता है, सूखता है कम, ये प्रॉब्लम है। यहाँ का मोस्ट जरा पीपुल है वो जो है बहुत तकलीफ महसूस करता है। इसका खाना नहीं होता है, घर के अंदर पानी चला जाता है तो उसको ऊपर में रहने पड़ता है खाट के ऊपर में। ये प्रॉब्लम सब करने के लिए बहुत दिन से जितने ही सरकार आते हैं बोल के चले जाते हैं मगर कुछ करता भी नहीं। गांव में पानी घुसने के बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इलाकों में पानी का लेवल बढ़ने के बाद कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बढ़ चुका है और हमारे यहाँ कई घर है यहाँ पे जो बहुत पानी घुस चुके हैं घरों में, इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। गांव के लोग सब यहीं पर है, बांध के ऊपर बैठे हैं कहीं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश के आसार हैं जिससे आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर का भी है जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर प्रशासन ने बारिश का पानी निकालने के लिए जगह जगह मोटर पंप लगाए हैं जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस अलर्ट से पहले ही वाराणसी में गंगा में बाढ़ का खतरा साफ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में गंगा उफान पर है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि घाट किनारे बने कई मंदिरों में पानी घुस गया। वाराणसी के 84 घाटों पर बने 2 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में गंगा का पानी घुस चुका है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण अब नदी किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। कोरोना संकट के बीच लोगों को अब बाढ़ की मार की चिंता सता रही है।
मंदिर वगैरह सब छोटे मोटे जैसे डूब रहे हैं। हम लोग का प्रभाव है कि सब हाल रोजगार खत्म है, पब्लिक आ ही नहीं रहा है। जब लॉकडाउन खुला भी उसके बाद से कोई पब्लिक का दर्शन नहीं, घाट एकदम सन्नाटा पसरा। यूपी के कुशीनगर के खड्डा तहसील में भी एक दर्जन से ज्यादा गांव में नदी का पानी घुसने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और उनका दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई है। पुलिस चौकी हो या स्कूल, सब जगह पानी का कब्जा हो गया है। इसकी वजह यह है कि वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 3 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नारायणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। उफनाई नदी का पानी तटबंध को तोड़ते हुए कई गांव में घुस रहा है, जिसके बाद लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। वहीं श्रावस्ती में भी भारी बारिश के कारण भिनगा से लक्ष्मणपुर संपर्क मार्ग जगह जगह से टूट गया है, जिससे यहां लोगों को आवाजाही की मुश्किल हो गई है। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।